नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, पर्यावरण, इन्वायरमेंट। दोस्तों, 40 में ऐसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में ऐड किया हूँ, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों की आने की अत्यधिक संभावना है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, SSC हो, बैंक, रेलवे, MPPSC, व्यापम के अंतर्गत सारे एग्जाम्स और हिंदी भाषी राज्यों में होने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स, पर्यावरण संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी 40 महत्वपूर्ण फैक्ट मैं ऐड किया हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे लिखे रेड सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए दोस्तों, और साथ में दोस्तों बगल में बने बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने से यह फ़ायदा होगा, मैं अपने चैनल पर ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड एक से दो वीडियो डेली अपलोड करता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, पहला प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो जो क्योटो सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था 1997 में। ठीक है दोस्तों, अगला है, ओजोन गैस वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? ओजोन गैस वायुमंडल किस भाग में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर। दोस्तों, ये क्वेश्चन तो हर बार, मतलब बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में। तो ओजोन गैस जो है वो किस भाग में पाई जाती है? समताप मंडल में, यानी स्ट्रेटोस्फेयर इंग्लिश में। अगला है दोस्तों, किस दिनांक को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम शुभारंभ हुआ था? यह हुआ था दोस्तों 1975 में, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम 1975 में शुभारंभ हुआ था। ओजोन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है 16 सितंबर को प्रतिवर्ष, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये तो लास्ट बार PSC में पूछा भी गया था क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप बहुत ध्यान से देखिए इस वीडियो को। नेक्स्ट है दोस्तों, किन क्षेत्रों में ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता पाई जाती है। किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था 1980 में पारित किया गया था। कब? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 में। ठीक है दोस्तों, किस परत को वायुमंडल की सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है? ओजोन मंडल या ओजोन परत को वायुमंडल की सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? तो वो है मीथेन, सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण मीथेन। किस वर्ष भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था? भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू किया गया था। ठीक है, कितने भूभाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होना अनिवार्य है? तो 33% भूभाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होना अनिवार्य है, 33%। कौन सी गैस बायोगैस से उत्पन्न होने वाली मुख्य गैस है? तो हीलियम गैस जो है बायोगैस से उत्पन्न होने वाली मुख्य गैस है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, कौन से वन वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं? तो वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है नागपुर में दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे तो इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट है, पर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो तो पूछ ही लिए जाते हैं। अगला है दोस्तों, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था? तो टॉन्सली ने 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था। किस गैस को एसिड रेन या अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रो ऑक्साइड को एसिड रेन या अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी माना जाता है। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी पर ओजोन परत स्थित है? तो 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर जो है तो ओजोन परत स्थित है पृथ्वी से। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष भारत में नई वन नीति घोषित की गई? तो भारत में जो नई वन नीति घोषित हुई थी 1956 में। ठीक है दोस्तों, अगला है, किस वर्ष गंगा एक्शन प्लान फेज सेकंड पारित किया गया? तो गंगा एक्शन प्लान का सेकंड फेज जो है वो पारित किया गया 1996 में, 1996 में। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? तो हैकल ने 1869 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। किसने? हैकल ने। नेक्स्ट है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया था।
किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो है नैरोबी केन्या में। कहाँ? नैरोबी केन्या में। कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? तो वो चाइना जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय जो है वो स्थित है स्विट्जरलैंड में। किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी? तो पहली बार राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाई गई थी दोस्तों। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग जो किया था टॉन्सले ने किया था 1935 में। टॉन्सली ने किया था कब? 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया भारत में वो 1986 में। किस वर्ष भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी और शांत घाटी जो कि केरल में स्थित है। ठीक है, ये MPSI में पूछ चुका है क्वेश्चन और MPPSC में भी लगभग ये पूछे जाते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न दोस्तों। जैव विविधता शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? जैव विविधता शब्द प्रयोग सर्वप्रथम 1986 में किया गया था। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया? यो विल्सन ने जो है सर्वप्रथम जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का प्रयोग किया था, यो विल्सन ने। विश्व की प्रसिद्ध सेरेगेती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? सेरेगेती वन्यजीव अभयारण्य जो तंजानिया में है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में। सिंगीलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये स्थित दोस्तों पश्चिम बंगाल में। वन्य जीव सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह में। किस वर्ष प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण 1935 में किया गया था उत्तराखंड में, एली नेशनल पार्क था। अगला है, किस वर्ष भारत में किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय योजना शुरू की गई थी? तो भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1973 में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए और फाइनली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूँ ऐसी रेगुलर वीडियोज़, और बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।